हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। हम बॉटनिकल नॉमिनक्लेचर के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं कि जो रूल्स होते हैं उसके अंदर हमने रैंक ऑफ टैक्सा पढ़ लिया, और उसके बाद टाइपिफिकेशन है इन टैक्सोनॉमी, चूँकि उसका सेकेंड है, वो मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और ये जो थर्ड है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है? सेलेक्शन ऑफ अ सिंगल करेक्ट नेम फॉर ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि बहुत सारे जो है वो नाम दिए जाते हैं किसी प्लांट को, साइंटिफिक नेम की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर है उसी की बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारे नाम दिए गए हैं लेकिन कौन सा करेक्ट नेम है, यानी किस वाले को, अगर आपने बहुत मल्टीपल बाइनोमियल उसका नॉमिनक्लेचर के थ्रू नेम्स दे दिए हैं, तो कौन सा वाला को आपको चुनना है, जो कि अगर जो वैध हो, पूरा वैलिड हो। तो ये जो टैक्सोनॉमी क्या है, वो हमारा इन जो जो फैमिली के बाद जीनस है, स्पीशीज़ है, जो उनके नेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दो टर्म आपको समझना, होमोनेम एंड टॉटोनेम। होमोनेम जो है वो इसका मतलब है कि एक ही नाम है वो दो डिफरेंट प्लांट्स को दे दिए गए हैं। टोटोनेम में मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर स्पीशीज़ का नाम और जीनस का नाम दोनों का सेम है तो वो जो है वो टोटोनेम कहलाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये कहती है, अब जैसे ये है कि निम्फिया नॉचिलाई है, जैसे बर्न ने 1768 में दिया, निम्फिया प्यूबिसेंस वाइल ने 1799 में, एंड निम्फिया टॉरस जो कि हुक के द्वारा, हुक एफ एटल ने 1872 में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर के थ्रू एक ही प्लांट को। तो एक दिया 1768 में, 1799 में, 1872 में, और ये तीनों नाम जो है वो जो है वैलिड है। तो जो नाम ऑप्ट किया गया, जो करेक्ट नेम किया गया, वो निम्फिया नॉचिलाई बर्म एफ जो है 1768 को जो है वो वैलिड कहा गया। वैलिड तो दोनों ही है, पर वो जो है करेक्ट नेम है, और बाकी जो ये दोनों जो हैं, ये दो दोनों नेम है प्यूबिसेंस एंड टोरस, ये जो है इसके सिनोनिम कहलाए। तो पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग जो है इसको सेलेक्ट किया गया। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें जो है जैसे पायरस, जैसे एप्पल का नाम है पायरस मैलस, जो है वो लीनियस, इनिशियली जो है लीनियस ने 1753 में नेम दिया, फिर बाद में जो स्पीशीज थी वो इज रिप्लेस्ड एज ए जीनस। तो जैसे जीनस और स्पीशीज जो है दोनों का नेम सेम हो गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका बाद में ये नेम जो है लेन ब्रिट ने दिया था 1888 में, यानी 1753 के बाद में ये, लेकिन चूंकि ये वाला जो नाम था वो क्या था, इसका टोटोनेम था। तो बाद में इसके बहुत सारे नेम दिए गए, मैलस प्यूमिला जो कि 1768 में दिया गया, आपको पता है ये पायरस मैलस 1753 में, इसके अलावा मैलस डोमेस्टिका 1803, मैलस जो था वो 1888 के अंदर, लेकिन मैलस प्यूमिला जो है इसको करेक्ट नेम एक्सेप्ट किया गया। पायरस मैलस को करना चाहिए था, लेजिस्टिमेट था, ये वाला नाम बिल्कुल सही था, इनिशियली वैलिड था, लेजिस्टिमेट था, और ये करेक्ट था, लेकिन चूंकि ये वाला जो नेम था वो उसको क्या है कि जो स्पीशीज है जो रिप्लेस्ड हो गई है बाय अ जीनस, तो इसलिए जो है इसके अंदर इसको, इस वाले नेम को भी, क्योंकि ये वाला जो नेम था, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का, जिससे हम पूरे अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि कैपरिडेसी फैमिली का जो मेंबर है क्लियोम गाइनेंड्रा, इसका जो इनिशियली जो है 1753 में कैरोलस लीनियस ने क्लियोम गाइनेंड्रा नाम दिया, देन उन्होंने ही 1753 के बाद 1762 में कैरोलस लीनियस ने इस क्लियोम गाइनेंड्रा का नाम जो है वो क्लियोम पेंटाफाइला उसका नाम दे दिया। ये दोनों ही नाम जो है कैरोलस लीनियस ने दिए। 1753 में उन्होंने क्लियोम गाइनेंड्रा बोला, और उसके बाद 1762 में उन्होंने इसको क्लियोम पेंटाफाइला बोला। नाउ जो डी कैंडोले थे वो आए 1824 में, उन्होंने क्या किया, तीन जीनस बनाए, एक बनाया क्लियोम, एक बनाया गाइनेंड्रोपसिस, और थर्ड जो है वो पॉलिनीसिया। ये तीन जीनस जो है उन्होंने फॉर्म किए 1824 में, यानी कैरोलस लीनियस के नाम देने के बाद। उसके बाद जो है डी कैंडोले ने जो
जो डी कैंडोले थे उन्होंने जो ये जो कैरोलस लीनियस से जो नाम दिया था इस क्लियोम गाइनेंड्रा, उसका नाम क्लियोम सॉरी उसके गाइनेंड्रोपसिस पेंटाफाइला, इसका नाम है गाइनेंड्रोपसिस पेंटाफाइला जो नाम है उन्होंने डी कैंडोले ने इसका नाम रख दिया। फिर इल्टेस आए, उन्होंने क्या किया 1960 में क्लियोम एंड गाइनेंड्रोपसिस इन दोनों को मर्ज कर दिया जीनस को और उसका नाम दिया क्लियोम। तो फाइनली प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो कैरोलस लीनियस सबसे पहले जो नाम दिया था 1753 में क्लियोम गाइनेंड्रा, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, उस जीनस को तोड़ा और उसको नया बनाया। फाइनली जो 1753 में कैरोलस लीनियस ने जो नाम रखा था क्लियोम गाइनेंड्रा उसको ही एक्सेप्ट किया गया। मैं अंदर बंद करती हूँ तो समझ आ जाइए धक धक की आवाज़ें पीछे स्टूडियो में आ रही है। अरे यार क्या पागल परिवार में आई हूँ मैं, जब मैं कह रही हूँ कि भाई वो बंद कर रही है तो मैं खोल देती हूँ ना, दो दस मिनट की बात थी यार, जिंदगी बर्बाद है इसलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। हम बॉटनिकल नॉमिनिक्लेचर के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं।